है hey गायज कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में हमारे शो में एंड माय नेम इज सबजीत मिश्रा आई एम योर एजुकेटर और कैसे हैं आप लोग देखिए गाइस एक बात तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वी नीड वनली थर्टी फोर्टी सब्सक्राइबर हमें एक लाख होने में और आज आप लोग को इसमें थोड़ा करना पड़ेगा आज आपको इसमें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी और इसी सेशन में मतलब इसी वीडियोस में आपको एक लाख सब्सक्राइबर करने हैं देखिए ये हमारा अपना चैनल है और इस चैनल को आगे बढ़ाना भी हमारा काम है हमारे में केवल आप नहीं मेरे में लाइट वाइट बुझा देते हो क्या कंप्यूटर जी मतलब थोड़ा सा अंधकार है ऐसा लग रहा है मुझे हमारे कंप्यूटर जी को पता नहीं कुछ हो गया है आजकल देखो अभी लाइट आएगी अभी बत्ती चलेगी अभी तो थोड़ा सा वो परेशान है अपने निजी जिंदगी में लेकिन हम लोग उनके साथ हैं आप आप चिंता मत करिए कंप्यूटर जी चलिए गाइस एक लाल आप ही करना है आज ही करना है और इसी सेशन में करना है ठीक है तो गोया शुरू करते हैं जैसा मैंने आपसे बोला था बुक्स एंड ऑथर एंड कमेटीज पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बात करेंगे उसकी भी चलिए आकाश का सुनापन मेरे तनहा दिल में मैं बिल्कुल अच्छा हूं आप कैसे अमान तुमने नोटिस किया मेरी शेविंग का <laughs> लोग मुझे नोटिस ही नहीं करते यार मतलब मैं चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं गाइस है, शुरू करते हैं अपना सेशन और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आंसर आपको देना है Who among the following has been appointed as the cricket advisory committee member by Board of Control for Cricket in India? तो so, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सब लोग दे लेंगे मुझे पता है हमने इस पर काफी डिटेल में बात भी की है so, तो कितने, लो, कितने लोग कितने लोग अपॉइंट हुए हैं ये आपसे पूछा गया है आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा गया भी है वी ए फाइव ऑप्शन और यहां पर यहां पर आंसर आ रहे हैं साहिना खान के फोर ऑप्शन क्या यह सही है uh, सवरोज मैं बिल्कुल बढ़िया हूं नरेंद्र सर नहीं ये गलत बात है <laughs> मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर बोथ ऑल वन टू एंड थ्री अगर हम बात करेंगे गाइस तो आपको पता कि मदन लाल भी अपॉइंट हुए हैं रुद्र प्रताप सिंह भी अपॉइंट हुए हैं और सुरक्षा नायक भी अपॉइंट हुई हैं और इन्होंने बीसीसीआई को बताया है कि सिलेक्शन जो कमेटी बनेगी उसका चीफ कौन बनेगा सुनील जोशी ये भी याद रखेगा सिलेक्शन कमेटी का आ, हो गया ना अपॉइंटमेंट तो उनके भी चीफ कौन बने सुनील जोशी बने है, ठीक है फिलहाल हम यहां पर कमेटीज पर क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं चलिए हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट कौन बनी है ये आपसे पूछा गया है ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं व्हाट इज द आंसर हाँ देव मालिया थ्री मेंबर कमेटी देव मालिया बहुत दिन बाद तुम दिख रहे हो यार मुझे हाँ आर्टिकल थ्री सेवेंटी सेवन इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा दीपा मलिक ऑप्शन नंबर वन वेरी गुड सुगंधा का पहला आंसर विवेक श्रीवास्तव का पहला आंसर आया सुगंधा दूसरा तो दीपा मलिक ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री हु हैज वन द फर्स्ट मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी अवार्ड गिवन बाई केरला बेस्ड मलयालम न्यूज पेपर फॉर ट्रांसलेशन ऑफ बुक ब्लू इज लाइक ब्लू यानी कि एक एक व्यक्ति है जिन्होंने ब्लू इज लाइक ब्लू का ट्रांसलेशन किया है जिसके लिए इनको फर्स्ट मातृभूमि बुक ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी का अवार्ड मिला है तो बुक्स एंड ऑथर पर ही क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा इसमें अवार्ड भी इंक्लूड हो गया उसका भी मिक्सचर आपको मिल गया वॉट इज द आंसर वे फाइव ऑप्शन पल्लवी जी हाँ जी हाँ फरवरी का है इसमें इसमें जनवरी के भी न्यूज मिल जाएंगे आपको बेटा और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर विनोद कुमार शुक्ला जी ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ला सही आंसर है वेरी गुड फैंटास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज रिलीज द बुक अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी व्हिच इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि किसने रिलीज किया जहां पर इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको अपनी तरफ से आंसर दे दूंगा ठीक है तो वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया है बुक अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये आपसे पूछा गया भैया फाइव ऑप्शंस गाइस सेशन को शेयर कर दीजिए हमें इसी सेशन में अपने एक लाख सब्सक्राइबर लेकर आने हैं बस बीस या तीस सब्सक्राइबर की जरूरत है हमें गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है जी बज के मिनट चलो एंड द आंसर इज के आर राव मतलब कोनरू रामाकृष्णा राव ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर वेरी गुड फैंटास्टिक अभी तक तो तुम लोग ठीक लग रहे हो सलमान नेक्स्ट पॉइंट हुन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन मेल कैटेगरी फॉर द ईयर 2019. बेसिकली ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्वेश्चन है तो ये पूरी तरह से कमेटी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे याद कर लेंगे ठीक है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें इन मेल कैटेगरी में किसको ये अवार्ड मिला है सिन्नी वेरी गुड बहुत अच्छी बच्ची हो तुम चलो आंसर दो फटाक से मयूर बोले हैं गोपी चंद ठीक है सौरभ बोले गोपी चंद एंड राइट एंसर इज पुले गोपीचंद ऑप्शन नंबर वन इज राइट एंसर ये पहले मेल इंडियन भी है जिनको यह अवार्ड मिला है ठीक नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द रीडिंग मिशन द रीडिंग मिशन अब बुक सही है रीडिंग मिशन बेस्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट रीडिंग मिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू इनकरेज हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स तो किस राज्य सरकार ने रीडिंग मिशन लॉन्च किया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रीडिंग मिशन 2022 से प्रभावित है आंसर दीजिएगा अच्छा है व्हाट इज द आंसर नरेश बोल रहे हैं हरियाणा क्या ये सही आंसर होगा साहिना खान बोल रही है हरियाणा इति बोल रही है हरियाणा नेहा वेरी गुड विशाल विशाल गोवा बोल रहे हैं अच्छा गोवा से बाहर निकलो तुम लोग हरियाणा इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर हर एक लड़के का ख्वाब होता है जब वो ग्रेजुएशन या पी में रहता है कि यार गोवा घूमने जाएंगे अगर वो गोवा भाई गया नहीं है तो ऐसा क्यों होता है ये मुझे समझ में कभी नहीं आया है ना कंप्यूटर जी आपका भी तो ख्वाब यही था पहले बता रहे थे आप वेरी गुड नेक्स्ट हु हैज ऑथर्ड द बुक द थिन माइंड मैप थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है यह आपसे पूछा गया जल्दी से दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। option, सही देना होगा धर्मेंद्र राय जी ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर धर्मेंद्र राय जी हमारा सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र राय जी हमारा सही आंसर हो जाएगा चलिए अच्छा देखिए देखिए धर्मेंद्र राय हमारा सही आंसर ठीक है बुक अम कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 एटी वन विच वॉज रिलीज बाई द हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी मैंने आपसे बोला था जहां पर इंपॉर्टेंट होगा किसने रिलीज किया वो हम जरूर आपको बताएंगे आंसर दीजिएगा विष्णुई जी आपके गोवा ख्वाब भी, भी है या मेरा ख्वाब तो गोवा का नहीं है अभी चलिए आंसर की बात कर लें मालदीव जाना है सौरभ क्या यार चलो हाँ बिल्कुल सही वेरी गुड के के खंडेलवाल ऑप्शन नंबर वन अपूर्वा सिंह भी अंकिता पॉल वेरी गुड के खंडेलवाल ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर वेरी गुड सिंगापुर जाना थीक है ठीक है ठीक है अब पहले जॉब ले लो वरना मतलब जॉब वाली बात है वरना सपने बहुत जल्दी टूट जाते हैं जब पापा मम्मी की चप्पल वप्पल डंडा वंडा पड़ता है तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं सपने हु हैज रिटर्न द बुक मैसेज फ्रॉम मैसेंजर्स मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स इसका आंसर क्या होगा मेरी माता जी हमेशा मुझसे बोलती हैं अभी बोलती हैं तुम बह गए हो मतलब ही नहीं है कोई <laughs> तो क्या करें भाई सपने अपने बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं आंसर अमित पाटिल थैंक यू सो मच भाई लव यू शंकर राजा थैंक यू सो मच व्हाट इज द आंसर एंड द आंसर इज प्रीति के श्राफ ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर ये टाइगर श्राफ की क्या है ये टाइगर श्राफ की क्या है आंसर फास्ट ये टाइगर श्राफ की क्या है Next क्वेश्चन विच इंडियन बॉक्सर रैंक नंबर वन इन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बॉक्सिंग टास्क फोर्स रैंकिंग फॉर ओलंपिक क्वालिफायर 2020? ये तो मैंने डिलीट कर दिया था ये कैसे आ गया चलिए कुछ नहीं है सिस्टर नहीं है केवल नाम मिलता है श्राफ है का सिस्टर बुआ मामी ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोग हाँ निशा कुछ भी नहीं है नहीं बहन वहन नहीं है एंड द आंसर इज अमित पंगल ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर अमित पंगल हमारा सही आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी की बात हो रही है सेबी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड म्यूनसिपल बॉन्ड डेवलपमेंट कमेटी टू गेट रिकमेंडेशन ऑन पॉलिसी मैटर्स मैटर्से टू डेवलपमेंट ऑफ म्यूनिसिपल डेप सिक्योरिटीज मार्केट कोई सेट ऑफ द कमेटी ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं सिंपल सी लैंग्वेज में म्यूनिपल बॉन्ड के डेवलपमेंट के लिए सेबी ने एक कमेटी बनाई उसे लीड कौन कर रहा है सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना है आपको आंसर और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर सुजीत प्रसाद ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर सुजीत प्रसाद हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेंच हैज अप्रूव टू कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी सो दैट वुमेन मिलिट्री ऑफिसर्स कैन वर्क टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट द बेंच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेंच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कितने इसमें मेंबर uh, कौन कौन इस बेंच में ये आपसे पूछा गया आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन टू एंड थ्री मतलब कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस अजय रस्तोगी तो देख लीजिए ये मामला काफी न्यूज में भी था ना महिलाओं को लाइफ uh, टाइम मतलब जब तक कि रिटायरमेंट नहीं होती तब तक के लिए जॉब उनको दे दी गई थी तो ये मामला इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट

बिल्कुल सही सुप्रीतम बंदोपाध्याय इंडियागा नहीं पब्लिश बाई द पब्लिकेशन डिविजन अलॉन्ग न्यू मीडिया विंग ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है चौसठवा एडिशन द रिफरेंस एनुअल इंडिया भारत टू थाउजेंड ट्वेंटी इसका एनॉगरेशन किसने किया ये आपसे पूछा गया है आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा वी है सब्सक्राइब करते रहिए जो भी बच्चे नए आ रहे हैं ताकि हमें एक लाख इसी वीडियो में मिल जाए पूरा आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आई आर डी ए फॉर्म अम्बर कमेटी टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउइंग लाइफ इंश्योरेंस ऑफर इन डेमिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसी हु इज द हेड ऑफ द कमेटी गाइज ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं आपसे ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूं इसका आंसर आपको देना है क्या इसका आंसर होगा जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी पड़े रहेंगे एक्चुअली uh, पीडीएफ मैंने पीपीटी में चेंजेस तो किए लेकिन पीपीटी को शायद मैंने सेव नहीं किया तो वो आया नहीं है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट लेकिन पीडीएफ में दे दूंगा उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखे हुए मास्टर कॉपी में एंड द आंसर इज जी श्रीनिवासन ऑप्शन जी श्रीनिवासन ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर नेक्स्ट पॉइंट हुई लेवल कमेटी विच सबिटेड द रिपोर्ट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लासिक्स Of Assam Accord of 1985 है सारे एक्स्ट्रा पॉइंट होगा पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए जी ए बाई अभिजीत सर मेरा चैनल है टेलीग्राम का एंडर इज जस्टिस विप्लब कुमार शर्मा ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर जस्टिस विप्लब कुमार शर्मा ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द सरोगेसी बिल of the ट्वेंटी द ड्राफ्ट ऑफ न्यू बिल the राज्यसभा तो सरोगेसी विधेयक को मंजूरी मिल गई है जिसमें यह कहा गया कि कोई भी महिला मतलब अपने इच्छा से वो सरोगेसी कर सकती है बेसिकली तो 23 मेंबर की कमेटी बनी थी उसको लीड कौन कर रहा था यह आपसे पूछा गया आचर्य शर्मा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और इसका आंसर क्या होगा भूपेंद्र यादव ऑप्शन नंबर थ्री भूपेंद्र यादव बीजेपी के एमएलए हैं भूपेंद्र यादव हमारा पॉलिसी नहीं आज दिन के दो बजे मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट टू क्लास है जरूर देखना पार्ट टू क्लास नेक्स्ट पॉइंट हु chaired the first meeting after reconstitution of India National Commission for cooperation with UNESCO in New Delhi? तो नई दिल्ली में यूनेस्को के साथ भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की यह आपसे पूछा गया वी ए फाइव ऑप्शन करदम जी हाँ हमारे हमारे जो स्लाइड्स बनाते हैं वो आ गए छुट्टी के बाद आ जाए हैं हम बैठकर उनसे बात करते हैं स्लाइड्स के बारे में एंड द आंसर इज रमेश पोखरियाल निशंक जी ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट विच मेट्रो स्टेशन वॉज रीनेम एज सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रिसेंटली बाय द कमेटी हेडेड बाय द मनीष सिसोदिया जी तो किस कमेटी का नाम चेंज किस मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है ये आपसे पूछा गया ये भी क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूं अगर आप मेरे सेशन को ध्यान से देखेंगे ना तो धीरे धीरे मेरा सेशन आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा बिकॉज नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे हमने काफी टाइम दिया कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम के घूम के मिलेगा जरूर आपको और इसका आंसर होगा प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर वेरी गुड फैंटास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कुकूज नेस्ट द कुकूज नेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है वी वही फाइव ऑप्शन And the right answer, and the right answer is A Setu Madhvan, option number three right Sethu Madhavan is right answer. Setu Madhvan is right answer. हाँ, बजे नहीं अब मेरी क्लास बैंकिंग वाली दो बजे होगी अल्टरनेट डे पर होगी मैं वैसे वहां पर बता दूंगा आप लोग को ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हु द हाई लेवल कमेटी दैट करोड़ टू सेवन स्टेट फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड हाई लेवल कमेटी बनी थी उसको उसके चेयरमैन कौन थे यह आपसे पूछा गया है जिन्होंने सात राज्यों में जो आपदाएं आई थी उसके लिए उनसठ करोड़ रुपए अलाउ कर दिए हैं फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड जीरो एट करोड़ अलाउ कर दिए हैं फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड वॉट इज योर आंसर देखिए चाहे एनडीआरएफ हो चाहे एस डी आर एफ हो अगर, अगर आप बात करेंगे इसकी अगर आप डिजास्टर की बात करेंगे तो हमेशा होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह जी अभी हैं उन्हीं का नाम आएगा होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर देख लीजिए किस किस स्टेट को कितना कितना पैसा मिला है वो आपके सामने है सबसे ज्यादा मिला है कर्नाटका को ये भी देख लीजिएगा ठीक है वैसे मैंने आपको दिखा दिया है कि किस स्टेट को कितना पैसा मिला है नेक्स्ट पॉइंट अमित शाह रिलीज अ बुक कर्मयोद्धा ग्रंथ इट डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर बिकॉज इस बुक में आर्टिकल थ्री ट्रिपल तलाक प्रधानमंत्री आरोग्य योजना मतलब हर चीज नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखी गई है तो नरेंद्र मोदी जी ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर नेक्स्ट पॉइंट हु राइटिंग कंपाइल्ड अ बुक टाइटल न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग टू थाउजेंड फोर्टीन टू नाइन नाइनटीन यानी इनमें से किस ऑप्शन की बात हम कर रहे हैं जिनके भाषणों के कुछ अंश जो है कंपाइल किए गए साथ में एक बुक की तरह बनाए गए हैं आपको बताना है आंसर दीजिएगा इस इस बुक का नाम क्या है न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 थाउजेंड टू नाइनटीन और ये अरुण जेटली जी हैं ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर अरुण जेटली सही आंसर है नेक्स्ट हु वेयर द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड पैक सिनिका इंप्लीकेशन फॉर द इंडियन डॉन दैट वॉज लॉन्च बाई द आवर विदेश मिनिस्टर सुब्रम सुब्रमण्यम जी सुब्रमण्यम जयशंकर जी दैट डिस्क्राइब अबाउट अ कंप्रहेंसिव व्यू ऑफ हाउ प्रेजिडेंट शी जिनपिंग चाइना विल इम्प्लीकेट द वर्ल्ड ऑर्डर इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बिल्कुल सही बात है आप ट्रेड वॉर की बात कर लें कोरोना वायरस की बात कर लें चाइना ही तो बर्बाद कर रहा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा समीर सरन और अखिल देव ध्यान दीजिएगा बुक का नाम तो याद रखना जरूरी है सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने इसको लॉन्च किया यह भी याद रखना जरूरी है आपको नेक्स्ट पॉइंट वेच कंट्री हैज ट्रांसलेटेड स्वामी विवेकानंद बुक टाइटल्ड कर्म योगा इन इट्स लैंग्वेज ड्यूरिंग विश्व हिंदी दिवस ऑन जनवरी टेन टू जनवरी टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी वॉट इज यंसर गाइस आप लोगों ने मन की बात की डिमांड की है तो मन की बात भी हम आज करेंगे बीच में ठीक है एंड राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चेयरमैन ऑफ एलेवन द नेशनल वॉटर पॉलिसी ये भी आपको पता होगा कई बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर मेहर शाह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर ये इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं काफी फेमस नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2019 थाउजेंड नाइनटीन फॉर हिस्ट शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन चेकबुक तो चेकबुक के लिए 2019 के सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है यह क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा आप देख लीजिएगा चाहे आप सी एच की बात कर लें चाहे आप रेलवे की बात कर लें सीजीएल तो हो चुका है मान लीजिए आप बैंक की बात कर लें एग्जाम में आना है एंडदेव मोहि ऑप्शन नंबर थ्री जस्टिस अभय मनोहर सप्रे 14th अपॉइंटेड एज द चेयरमैन तो अभय मनोहर सप्रे जी जो है वो किस कमेटी को लीड करेंगे उसके चेयरमैन बने हैं अध्यक्ष बने हैं ये आपसे पूछा गया व्हाट इज आंसर एक लाख करने इसी वीडियोस में एक लाख करने हैं तो करने हैं ये मैं आपसे मांग रहा हूं दक्षिणा करना पड़ेगा करिए आंसर क्या होगा रोड सेफ्टी कमेटी ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर रोड सेफ्टी कमेटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द बुक दैट वॉज रिलीज टू मार्क द बर्थ सेंचुरी एनिवर्सरी ऑफ इंडियन जस्टिस एंड इकोनॉमिस्ट नाना नाना बॉय नानी अर्देशिर पालखीवाला एडिटेड बाई अरविंद पी दातर यानी उस पुस्तक का नाम बताइए जिसे अरविंद पी दातर द्वारा संपादित भारतीय न्यायविद और अर्थशास्त्री नानबॉय नानी अर्देशिर पालखीवाला की जन्मशताब्दी के अवसर पर जारी किया गया है काफी लंबा नाम है इनका ठीक है मुझे कंप्यूटर जी छुपाइए जरा सा बच्चों को नहीं दिख रहा होगा आप कहा किस ख्याल में डूबे हुए भैया हां फस्ट स्क्रिप्ट इन ऑनर ऑफ नानी अ पालकी वाला तो ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर ठीक है ऐसे बोल बोलगी आप लोग तो शांत तो होगा लेकिन मुझे तो बोलना पड़ेगा ही पूरा ना पड़ेगा है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए मुझे

नेक्स्ट वाइन हु हैड द कमेटी दैट कॉन्स्टिट्यूटेड टू फर्दर स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट सेक्शुअल हरसमेंट एट द वर्क प्लेस पहले राजनाथ सिंह इसके चीफ थे लेकिन दोबारा गवर्नमेंट आने के बाद इसका इसका चीफ कौन बनेगा हमेशा होम मिनिस्टर बनेगा तो अभी कौन है अमित शाह जी हैं ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर अमित शाह जी ऑप्शन नंबर फोर इज राइट एंसर विशाल जी जी ए बाई अभजीत सर जी ए बाई अभजीत सर मैं भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा इस ताकि आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकें और आप मुझसे सीधे बात कर सकें बुक टाइटल द A सोशल कमेंट्री ऑन सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन द रिलीज बाई द जस्टिस के गोपीनाथन बालाकृष्णन न्यायमूर्ति के गोपीनाथन बालाकृष्णन द्वारा जारी पुस्तक द गेट वे सोशल कमेंट्री ऑन सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन का लेखक कौन है यह आपसे पूछा गया मोस्ट वेलकम एंड राइट आंसर इज हरिहरन बाला गोपाल ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर हरिहरन बाला गोपाल वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट एक लाख होने तो दो पहले नेक्स्ट नेम गया एक लाख यार क्लैपिंग होनी चाहिए अभी तो यार पढ़ाई करेंगे एक लाख हो गया गाइस माइल्ड पूरा हो गया और आप लोगों ने जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं मैं हमेशा बोलता था कि वी वॉन्ट टू और हमने ये शुरू किया हमने ये काम किया और गाइज आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मतलब जो ऐसे चैनल्स जिनके पास थर्टी लाख फोर्टी लाख सब्सक्राइबर हैं उनसे व्यू हमारे अधिक आते हैं जबकि हम अभी एक लाख पर पहुंचे हैं अभी तो ये आगाज़ है अंजाम तो बाकी है गाइस क्लैपिंग होनी चाहिए जोरदार जोरदार सबकी आंखों में दिल बनना चाहिए क्लैपिंग होनी चाहिए जिद है तो जिद है भी अंदर होना चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बहुत बढ़िया गुड <laughs> हाँ पार्टी भी होगी जिसको पार्टी चाहिए नोएडा में मैं रहता हूं वहां पर आकर पार्टी ले लीजिए जिसको पार्टी चाहिए अच्छी फीलिंग गाइस जब आप अपना काम करते हो तो इन सब अचीवमेंट में काफ़ी अच्छा लगता है जब आप दूसरों काम करते हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अपने काम में फ़र्क पड़ता है और थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज रियली आपसे हम बहुत प्यार करते हैं बहुत मोहब्बत करते हैं आपको हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और ना तो हम नाटक करते हैं ना तो हम नौटंकी करते हैं हम सीधे आते हैं पढ़ाते हैं ये हमारे चैनल का एक तरीका है और हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं आपके बड़े भाई की तरह आप गाइड अपना मोटिव अपना मेंटर मान सकते हो एजुकेटर मान सकते हो बड़ा भाई मान सकते हो जो भी मान सकते हो हम हर तरह से आपके साथ हैं तो इसी इसी पे अभी इतना विराम लिया है तो एक विराम और ले लेते हैं और बात कर लेते हैं मन की बात की गाइस गाइस सुनिए मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं सुनिए ये बात ध्यान से सुनिएगा आप जब भी किसी का पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं देखिए पेड कोर्स की बात कर ले क्योंकि आप लोग पेड कोर्स खरीदते हो है ना तो आप जब भी किसी एजुकेटर का पेड कोर्स खरीदा जाते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन तो गाइस किसी की बातों में पहले नहीं आना चाहिए आप पैसे लगा रहे हो और आप उस व्यक्ति को फॉलो करने वाले हो और आप जिसे फॉलो करने वाले हो उसके कंटेंट से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और रुक भी सकता है तो किसी की बातों में ना आके पहले उस एजुकेटर का थोड़ा सा रिसर्च करिए किसी का भी आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जी बैंक एस एस रेलवे यूपीएससी किसी के लिए भी आप उसे कंटेंट का थोड़ा सा रिसर्च करिए गाइज आपको क्या लगता है कि आप क्या आप क्या छोटे बच्चे हैं आप ग्रेजुएट हो चुके हैं आप पीजी कर चुके हैं और गाइज एक बात मेरी समझिए कि आप लोग को सब कुछ पता है आप क्यों बनते हो आप क्यों मजबूर बनते हो यार मुझे आज तक समझ में नहीं आया आप क्यों अपने आप को हमेशा डाउन देखते हो कि यार आपको कुछ नहीं आता है आपको बहुत कुछ आता है आपको इतना तो आता है ना यार कि कौन कैसा पढ़ा रहा है आप उस एजुकेटर को जरूर पहले उसके यूट्यूब वीडियोज देखिए अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता भी है मिलता है कि हाँ ठीक है आप, आप कोशिश करिए कि उस एजुकेटर से आप कॉन्टैक्ट हो जाए ताकि आप अपने और डाउट पूछ लें कोर्स स्ट्रक्चर को देखिए और गाइस ये कभी मत देखा करिए कि यार हम इतने पैसे में आपको इतने क्लासेस देंगे क्लासेस यार मतलब वो सबसे कोई फायदा नहीं होता है आपका सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है आपको पहले यह देखना है दूसरी बात जैसे हम डीआई की बात कर ले पजल की बात यार मैं मैं अपनी बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी में एक क्लास में खत्म नहीं कर पाता और मैं देखता हूं बहुत सारे पेड कोर्सेज में एक टॉपिक एक दिन में खत्म होने की बात होती है आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके कितने टॉपिक कितने दिन में खत्म हो रहे हैं एजुकेटर का फीडबैक क्या है बच्चों से और थोड़ा सा पूछिए फीडबैक लीजिए उनसे उनसे यह मत देखिए वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर देखिए आप मतलब ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी आपको कितने प्रैक्टिस सेशन मिल रहे हैं कितने पीडीएफ्स मिल रहे हैं आ, कितने डाउट क्लियरिंग सेशन मिल रहे हैं पूरा एनालिसिस करिए गाइस तभी किसी का पेड़ कोर्स खरीदिए आप कहीं से भी खरीदते हैं डजेंट मैटर वो मैं मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इनका लो उनका लो आप ये सब देखा करिए किसी की भी इस फैकल्टी का पेड़ कोर्स खरीदने से पहले हम तो पेड़ कोर्स बेच ही नहीं रहे हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं तो हम अपनी बात तो करेंगे ही नहीं जिनके लिए भी मैं बोल रहा हूं मतलब जो भी कर रहे हैं अभी आप उनको ये तब देखिए तो यार ये सब देखो मैं ये बात पैसे की यहां पर नहीं होती है और ये मत देखा करिए कि आपको इतने डिस्काउंट पर इतने कोर्सेज मिल रहे हैं सब फालतू की चीज है अगर कोई अच्छा चैनल आपको बढ़िया कंटेंट दे रहा है थोड़े पैसे ज्यादा भी रखा है तो इसमें बुरी बात नहीं है बिकॉज आपकी जॉब लग जाएगी यार तो आप एक महीने में उसके ट्रिपल फोर टाइम फाइव टाइम कमाकर अपने पिताजी को वापस कर दोगे पैसा वो मैटर नहीं करता है पैसा मैटर नहीं करता है वो आप भी जानते हो वो मैं भी जानता हूं अगर पैसा मैटर करता है तो शायद आप इतने कोर्स ना खरीदते किसी के तीन चार कोर्स खरीद लिए आपने है ना पेड कोर्स खरीदिए बहुत सावधानी से ये मैं आपसे बोल रहा हूं बस किसी का भी चलिए आते हैं आते हैं क्लास पे आते अरे <laughs> मैं नहीं नहीं पल्लवी बेटा मैं अपनी हम लोग अपनी बात कर ही नहीं रहे यहां पर एकदम नहीं कर रहे हैं बेटा हम आपके फ्यूचर की बात कर रहे हैं देखो हम, हमें भी पता होता है कि एक बच्चा दो दो तीन तीन कोर्स खरीदे होता है वो किसी एक अच्छे फॉलो नहीं करता हमको पता है आप मेरे भी कोर्स लेते हो तो किसी और जीए का भी कोर्स लेते ही हो है ना मालूम चल जाता है तो ठीक है कोई बेस्ट नहीं है कोई परफेक्ट नहीं है वो आपके ऊपर है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं पैसे खर्च करते टाइम पर ये सोचिए कि आपका भविष्य इस पर टिका है ये बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है चलिए अभा थैंक यू सो मच थैंक यू सो सच बेटा थैंक सो मच चलिए अश्विनी कुमार इसका आंसर है थोड़ा मैंने टाइम ले लिया गया लेकिन मुझे लगता है कि ये दो मिनट देखकर अगर आपने कुछ मुझसे समझा है तो वो अच्छी बात है है ना तो पेड कोर्सेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए खरीदिए अगर आपका मन करता है लेकिन पूरा एनालिसिस करके पूरा रिसर्च करके कभी डिस्काउंट पर मत जाइए जितने भी कोर्स अगर आपको डिस्काउंट देते हैं मोर देन फिफ्टी परसेंट तो वो कोर्स घटिया कोर्स है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्प्री वर्ल्ड आई एम सॉरी थोड़ा सा रुका मैं अनिशा थैंक यू सो मच इससे प्रेशर आप लोग बढ़ा देते हो यश करण थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कौशाम्बी परमार थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच

एंड द राइट आंसर इज मुख्तार अब्बास नकवी ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर हाँ हाँ निकी बेटा मैं मैं यहाँ पे लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या मतलब मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर केवल जीए के लिए नहीं बोल रहा था बेटा और मैं यहाँ पर केवल मतलब uh, किसी चैनल के लिए नहीं बोल रहा था मैं बोल रहा था बेटा कंप्लीट कोर्स जो आप लोग परचेस करते हो मतलब मैथ रीजनिंग मैं सबके लिए बोल रहा था देखो इतना तो हमको भी मालूम बेटा कि रीजनिंग में पजल या ब्लड uh, रिलेशन कितने दिन में खत्म होना चाहिए कितने क्वेश्चन होने चाहिए तो वो हमको पता है हम नहीं बोलते हैं बिकॉज हम ये काम नहीं करते हैं जो आजकल YouTube पर हो रहा है आप लोग देख रहे हैं वर्मा जी शर्मा जी जो हो रहा है वो सब काम हम नहीं करते हैं आप अगर जानते हैं जान जाएंगे नए हैं तो जान जाएंगे कोई इसमें दिक्कत नहीं है आंसर इज मिशेल ओबामा ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रणब मुखर्जी रिलीज द बुक टाइटल्ड देख लीजिए यहां पर रिलेट लेस रिलेंटललेस इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटियन जब पहली बार मैं क्वेश्चन पढ़ा था, तभी मैं पढ़ नहीं पाया था रिलेंटलेस ठीक है आंसर दीजिएगा मुख्तार जी हाँ. हां रीना आप जीए बाई अब जिसे ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ मिल जाएगा बेटा आपको चलिए इसका आंसर क्या होगा यशवंत सिन्हा ऑप्शन नंबर थ्री यशवंत सिन्हा इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एक्स आर बी आई एक्स से बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुज़ अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बकरी लिमिटेड बाई एज पर द नॉमिनेशन एंड रिमिमिनेशन कमेटी चेयरड बाई मिसज फरीदा खम खम खम्बत्ता तो कहने का मतलब क्या इस बकरी कंपनी है और इसने इसने अपने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए इंटरनल एक कमेटी बनाई थी इस कमेटी को लीड कर रही थी मिस फरीदा खंबाटा और इन्होंने किसको चुना ये आपसे पूछा गया एंड द राइट आंसर इज रमेश जोशी ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर रमेश जोशी हमारा सही आंसर है बहुत लोग बहुत गलत आंसर दे रहे हैं नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वाई वी आर सेइंग नो सी ए नो एनआरसी नो एनपीआर ट वॉज रिलीज ड्यूरिंग द फोर्टी फोर्थ एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर फोर्टी फोर्थ एडिशन ये मत भूलना जी आंसर दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा ममता बैनर्जी ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर ममता बैनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बेंगाल नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज रिटर्न द बुक कलकत्ता नाइट विच इज द ट्रांसलेशन ऑफ रातर कोलकाता प्रिंट बाई हेमेंद्र कुमार रॉय तो कलकत्ता नाइट पुस्तक किसने लिखी है जो कि हेमेंद्र कुमार रॉय द्वारा लिखित कोलकाता मतलब रा, रातर का एक अनुवाद है तुम लोग दीदी पे हंस क्यों रहे हो टैलेंटेड मतलब वो अच्छा लिखती हैं एंडट आंसर इज रजत रजत चौधरी ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर रजत चौधरी हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो इन्होंने, इन्होंने इन्होंने नाइट बुक लिखी है मतलब जो कि अनुवाद है बेसिकली नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लेगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मल सी यह तो मैंने कई बार आपसे पूछा है क्वेश्चन आप लोग सही आंसर दोगे मुझे मालूम है एंड राइट आंसर इज इंद्रजीत सिंह जैजी एंड डोनासुरी ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन्ट द प्रेस्टीजियस ट्वेल्थ शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइस टू थाउजेंड नाइनटीन फॉर हिस्स बुक अर्ली इंडियन द स्टोरी ऑफ आवर एंसिस्टर एंड वेयर वी केम फ्रॉम यह भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं मेरी बंगाली बहुत अच्छी है मुझे नहीं आती बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती है केवल वो डायलॉग वलॉग थोड़ा बहुत बंगाली सीखनी है एंड द आंसर इज टोनी जोसेफ जोसेफ ऑप्शन नंबर इज़ इज़ राइट राइट आंसर आंसर टोनी अमित शाह जी भी बंगाली सीख रहे हैं आजकल नेक्स्ट वाइन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड कलेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना प्रगति रथम द डिस्क्राइब द डिटेल्स एंड हिस्ट्री ऑफ द कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम चीफ इंजीनियर हैं ये कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के <laughs> एंडर इज श्रीधर राव ऑप्शन नंबर थ्री श्रीधर राव हमारा जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध तुम लोग मेरे मजे ले रहे हो ना समझ रहा हूं आंसर गौतम बुद्ध की जीवन की यात्रा की विशेषता अभिनंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक नलक का अनुवाद किसने किया है दीपवंत विता एंड राइट आंसर इज उर्बी बडूरी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु ट्रांसलेटेड सादत हसन मैंटोज बुक शिकारी औरतें एंड टाइटल्ड इट एज वुमेन ऑफ प्रे स्टोरीज ये भी क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं आपको सही आंसर देना है व्हाट इज द आंसर डायलॉग का मतलब मेरे वो नहीं था कि मुझे पूरा डायलॉग आता है वो सब नहीं मतलब आंसर दो एंड राइट आंसर इज सबा महमूद बशीर ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज वन द नाइन्थ एडिशन ऑफ डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशिया लिटरेचर 2019 नेपाल में ये हुआ था फॉर द बुक हाफ द नाइट इज गॉन डीएससी प्राइज फॉर हाँ अमन ये करंट के ही है तीन चार महीने दो तीन महीने के अंदर अंदर के और पुराने नहीं दे रहे ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्म अ जज कमेटी टू स्पीड अप द डिस्पोजल प्रोसेस ऑफ रेप केसेस इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमेटी एक रेड्डी साहब हैं और एक एम आर शाह जी हैं अच्छा मैंने आंसर आपको दे दिया <laughs> राज थैंक यू सो मच भाई लव यू भाई लव यू एंड द आंसर इज आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री टू तो टू इज राइट आंसर आ जाओ आ जाओ हाँ खत्म नहीं हुआ है मोदी सर हमारे बीच में क्लास चल रही है आ जाइए सर आ जाइए कुछ बोला आ रहे हैं तीन आ जाओ ना बोल दो, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द इंडियन पॉलिटिशियन हु वॉज साहित्य अकेडमी अवार्ड टू थाउजेंड नाइनटीन फॉर हिस्स बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया फोर्टी एट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं मोदी सर आए थे लेकिन वो <laughs> वो बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वो सरकार गिरानी तो चले गए वापस आंसर क्या होगा राइट आंसर इज सही ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर सिंपल क्वेश्चन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर यह सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं नेशनल आप लोग सही इंफॉर्मेशन देंगे यह मुझे लग रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको थैंक यू एंड द राइट आंसर इज थवरचंद गहलोत ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डिसीज कन्नड़ राइटर एंड क्रिटिक हु वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज बुक होश बुक का नाम है होसाग होशागन साहित्य चरित्र ये बुक का नाम है हालांकि ये ऑबिटरी क्वेश्चन है आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा अगर पता हो तो एंड द आंसर इज एल एस शेषगी राव ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर ऑबिटरीज में जब मैं कराऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे वहां पर तो इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द चेयर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड फॉर्म बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी तो सेबी ने एक अभी कमेटी बनाई है उस कमेटी को लीड कौन करेगा ये कमेटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के लिए नहीं पता कोई बात नहीं बेटा ऑबिटरीज में ये फिट से करवाएंगे राज अभी तो पीडीएफ नहीं थोड़ी देर में दे देंगे बेटा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ठीक है ये अपने से क्यों चेंज हो रहा है भाई कंप्यूटर जी अरे अरे हाँ ठीक है ठीक है हो गया हो गया हो गया नहीं रुकी एक मिनट ठीक है ठीक है। लगा दीजिए एंड राइट आंसर इज अब्राहम कोशे ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर अब्राहम कोशे इज राइट आंसर नेक्स्ट हु प्रिसाइड द सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल कमिटी फॉर कमोमरेशन ऑफ द वन फिफ्टी एथ बर्थ एनिवर्सरी सॉरी गाइज वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपने स्टेंज में जा रहा है रामनाथ कोविंद इज राइट आंसर ये इस क्वेश्चन का आंसर है ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका आप लोगों को पता है एक बार और देख लेते हैं हु हुफ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड टर्बुलेंस एंड ट्रेम द मोदी इयर्स दैट डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस इसमें नहीं आ गई निर्जीव चीजें हैं एंड द राइट आंसर इज राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान नंबर टू इज राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु रिलीज द बुकलेट टाइटल्ड क्रॉसिंग द बैरियर वन गॉड इंट ड्यूरिंग द नेशनल वर्कशॉप ऑन एसेसिबल इलेक्शन टू थाउजेंड नाइनटीन इन न्यू डेली एंड द राइट आंसर इज सुनील अरोड़ा जी ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कहता ये कौन है ना कौन है शायद आपको याद होगा नेक्स्ट नेम द डिसीज ट्रांसलेटर मतलब ऑबिट्रीज पर क्वेश्चन है एंड प्रोफेसर हु वॉन्ट द केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड इन ईयर टू थाउजेंड ट्वेल्व फॉर द बुक अक्का ऑबिट्रीज में ये क्वेश्चन फिर से आपको मिलेंगे तो इसीलिए रिविजन कर लीजिएगा अच्छे से और इसका आंसर क्या होगा

सुनो सुनो बन करते हैं पीडीएफ बच्चों को दे देते हैं ठीक है मैं बोल देता हूं बच्चों से लगा दो मुझे गाइस थोड़ी सी लग रहा है सिस्टम में प्रॉब्लम है स्लाइड्स अपने आप चेंज हो जा रही हैं कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं मैं पीडीएफ दे दूंगा अभी ग्रुप पर आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा आई uh, होप कि हम लोग अभी कुछ देर में ये चीज़ ठीक कर लेंगे सेटिंग में कुछ दिक्कत आ गई होगी और दिन के दो बजे मेरी फिर से क्लास है मॉनिटरी पॉलिसी पार्ट टू आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जिस वजह से ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं मैं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं बीस क्वेश्चन और बचे हैं जो मैं कि आपको पी में दे दूंगा इसलिए परेशान नहीं होना है ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है एक लाख की खुशी में नहीं हो रहा है भाई अब क्या करें ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को चलिए गाइस मिलते हैं आपसे दो बजे फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी थैंक यू सो मच गाइस अपना ख्याल रखिए और कल कौन सा एम मैं लेकर आऊंगा उसका मैं आपको अभी टेलीग्राम पर डाल दूंगा कि ये पढ़ के आना मैं ये एम लेने वाला हूं जहां तक आप मान के चलिए हम रिपोर्ट इंडेक्स और रैंकिंग पर वीडियो लेकर आएंगे जहां तक ये मानकर आप चलिए ठीक है पीडीएफ के लिए जीए बाई अभिजीत सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सब लोग थैंक यू सो मच गाइस अपना ख्याल रखेगा